कांग्रेस ने हमारे हाथों में थाली और घंटा बजाने के लिए नहीं दिया है, किताबें दी हमारे हाथों में। पिछले 70 सालों में किताबें दी, आईएम्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई है, तो क्यों हम कांग्रेस की साइड नहीं झुकाव करें अपना? अगर यही चीज मोदी जी 10 सालों में करते तो मोदी जी के झुकाव में होते हैं। आज हम मोदी जी के यहाँ होते और उनका प्रचार करते। मोदी जी सिर्फ हर बात का मोदी जी का जुमला है, आते हैं और फेंक कर चले जाते हैं। मोदी जी ये नहीं देखते कि इसकी बात क्या हुआ। मोदी जी सिर्फ अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं। कौन से दोस्त बेटा? अंबानी अडानी। और मैं समझता हूँ जो मोदी जी 1 लाख वोट से जीते हैं, 1.5 लाख से जीते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होके भी 1 लाख वोट से जीत पाए, मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मोदी जी की बहुत शर्म की बात है कि वो 1 लाख वोटों से जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आप हमारे साथ देख रहे होंगे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने इनसे बातचीत करना इसलिए भी मुनासिब समझा कि ये देश के भविष्य हैं। आप भी जब इनकी बातें सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान होंगे। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देश का जो जनाधार आया है उससे देश का माइंडसेट कितना बदला है, उससे इन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा है। हालांकि ये बच्चे कहने के लिए हैं, बाकी आप सुनिए। आप अपना नाम बताएं। यशराज परमार। यशराज, आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी से हैं। एमपी से आए हैं जी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ हमारी सरकार बनने की खुशी में आए हैं। आपकी सरकार बन रही है? जी बिल्कुल। कैसे? कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, इसके लिए। आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं हम कांग्रेसी, बट हमारे खून में कांग्रेस है। अच्छा, एक बात बताइए, आप मध्य प्रदेश से चल कर आए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मध्य प्रदेश में पड़ा है भाजपा को, क्लीन स्वीप हुई है कांग्रेस, फिर कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी तो थोड़ा बुरा लग रहा है वहाँ पर के लिए, बट मंदिर राम मंदिर अयोध्या में बना है और पर भक्त मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो सीट हार चुके हैं। अच्छा, राम मंदिर अयोध्या में बना लेकिन सबसे ज्यादा भक्त वहाँ दिखे। हाँ, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो सीट हारे हैं, मेरे हिसाब से मोदी जी शायद तक पाकिस्तान भेजने की तैयारी में होंगे, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया होगा। तो सब सतर्क रहिएगा, राम मंदिर के वासियों सब, मतलब। अच्छा, मुझे बताइए, आपको पता है कि अयोध्या वाली सीट कौन जीता है, आपको पता है? नहीं, समाजवादी पार्टी जीती है हमारी गठबंधन की सरकार में। अच्छा, समाजवादी पार्टी जीती है, तो आपको इसलिए लगता है कि मोदी जी सबको अब भेज देंगे पाकिस्तान? जी बिल्कुल भेजेंगे मोदी जी पाकिस्तान। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अयोध्या की सीट पे ये परिणाम आया कि वो सीट महागठबंधन को चल गई है, तमाम जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने हिंदुओं को गाली देनी शुरू की और कहा कि ये हिंदू, मुझे कहना भी उचित नहीं लग रहा है, हिंदुओं को गाली दी और कहा कि ये हिंदू ही हैं जिसके लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने इतना काम किया और वही इनके समर्थन में खड़े नहीं हैं। मैं दूसरे लोगों से भी बात करता हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जतिन परमार है। जतिन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास में। 11th में हैं। वोट देने का अधिकार आपको भी अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, मेरी 17 है जी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप मध्य प्रदेश से आप भी आते हैं जी, आप यहाँ कांग्रेस ऑफिस में हैं, दिल्ली में हैं, क्या मतलब लगा आपको कि कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए? चूंकि भाजपा में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरे देश सुरक्षित हाथों में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर आप कांग्रेस की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं अपना? देश सुरक्षित हाथों में, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, उसकी जगह स्कूल हॉस्पिटल बनवा सकते थे, वो बनाया बहुत अच्छी बात है, हम खुद वहाँ पर गए, पर उनकी जगह वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह बनवा सकते थे। अगर वो एजुकेशन अच्छा देते देश में, बेरोजगारी कम करते देश में, तो हम उनके साथ जाते हैं, उनका प्रचार करते हैं। आप उनका प्रचार करते हैं। अभी अब देश में कौन सा नेता आपको पसंद है? राहुल जी। राहुल जी क्यों? हमें बहुत अच्छे नेता लगते हैं वो, हम जितनी बार भी उनसे मिले बहुत अच्छे से, हमसे बहुत प्यार से बात करें। राहुल जी से मिले हैं आप? बहुत बार, साइड में 10 जनपद हैं वहीं पर ही हम बहुत बार मिले उनसे। अच्छा, मिले हैं जी। तो राहुल जी से किन मुद्दों पे बात हुई जिससे लगता है कि राहुल जी देश के भविष्य को समझते हैं, देश के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हुई? हाँ, नॉर्मल बातें हुई, ज़्यादा ऐसी कुछ बातें नहीं हुई, पर हाँ मतलब जितनी भी उनके बातें हम देखते हैं, मतलब जितनी भी उनके साथ जितनी बातें करते हैं, सबसे ऐसा लगता है कि अगर राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश एकदम सुरक्षित हाथों में जाएगा, देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। लेकिन अब इस पे बात भी हो, राहुल गांधी के लिए लगातार जो भाजपा है या भाजपा के लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी की अभी वो मानसिक स्थिति नहीं है कि वो इस तरीके के बात कर सकें, देश में शासन चला सकें, आपको क्या लगता है? जब उनके दादाजी शासन चला सकते हैं, उनकी दादी शासन चला सकती है, जवाहरलाल नेहरू जी शासन चला सकते हैं, उनकी सारी जो 7 पीढ़ियाँ शासन चला रही हैं, देश चला रही हैं अभी तक, तो वो क्यों नहीं चला सकते? चला सकते हैं जी, बिल्कुल चला सकते हैं। हमारे साथ एक और बच्ची हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जिया परमार है। जिया परमार, आप सब भाई बहन हैं जी?
अच्छा, सब साथ में आए हैं मध्य प्रदेश से? सब साथ में आए। आप पेरेंट्स भी साथ आए हैं या? नहीं, हम सिर्फ चारों साथ में आए और हमारे भैया साथ में आएंगे। अच्छा, पीछे आपके साथ में एक भैया भी हैं। ये बच्चे जो हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं और मध्य प्रदेश से यहाँ तक का सफर जी, मध्य प्रदेश से कौन से जिले से? सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास आष्टा है, वहाँ से आए हम लोग। आष्टा विधानसभा? आष्टा विधानसभा। आष्टा विधानसभा, आष्टा विधानसभा से आए हैं। और ये बच्चे बस इसलिए दिल्ली तक आए हैं कि देश में जो तख्ता पलट होने की बात हो रही है उस बात से हर्षित हैं और इसलिए ये कांग्रेस के दफ्तर आए हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस ने हमारे हाथों में थाली और घंटा बजाने के लिए नहीं दिया है, किताबें दी हमारे हाथों में। पिछले 70 सालों में किताबें दी, IIMs बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, तो क्यों हम कांग्रेस की साइड नहीं झुकाव करें अपना? अगर यही चीज़ मोदी जी 10 सालों में करते तो हम मोदी जी के झुकाव में होते, आज हम मोदी जी के यहाँ होते और उनका प्रचार करते। पर लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उनने हमारे हाथों में सिर्फ कटोरा दिया है, सिर्फ देश की जनता को कटोरा दिया है। 2 करोड़ रोज़गार का खाता, वो तो उनके आए नहीं। पहली बार जब वो पहली बार आए थे तब शायद 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार सिर्फ 1 लाख वोटों से जीते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार उनके मैनिफेस्टो में वो चीज़ें ही नहीं थी, क्योंकि पहले तो उन्हें जुमला फेंक दिया था, आए थे जुमला फेंक कर चले गए थे। इस बार उनकी पूरी जो ये पूरा 2024 का इलेक्शन था सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर पे टिका हुआ था। राम मंदिर उन्होंने सोचा था कि हम राम, हमसे राम नहीं, जबकि मैं मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि आपसे राम नहीं, राम से आप हैं। और जो उन्होंने कहा था कि 400 पार, तो आप देख ही चुके होंगे कल की 400 पार कितना हुआ है उनका। आप किस क्लास में पढ़ती हैं मुझे ये बताइए? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। आप देखिए, ये बच्ची जो है ये 12वीं में पढ़ती है, नाम क्या बताया बच्ची? जिया परमार इसका नाम है और जिया परमार 12वीं में पढ़ती है। देश सुरक्षित हाथों में है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देश जो है सुरक्षित दिमाग जिनके पास है, जो अपने जहन से बहुत समृद्ध है, जो समझते हैं कि मेरा भला क्या है, जो समझते हैं कि मेरा बुरा क्या है, तो देश आपके जो आने वाले लोग हैं जो भविष्य सुरक्षित करेंगे, भविष्य सुनहरा करेंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, मोदी जी ने ये कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने भी ये कहा, ये जुमला है। मोदी जी ने ये भी कहा कि हर दिन भारत में रोज नए नए IIM बन रहे हैं, रोज नए नए IIT बन रहे हैं, जानकारी है आपको? जी है ना जानकारी का, हमें तो दिख नहीं रहे। अगर बनते तो आज जो मंदिर के बाहर जो भीख मांग रहे हैं वो वहीं जाके पढ़ते ना, वह मंदिर के बाहर भीख क्यों मांगते हैं? मोदी जी सिर्फ हर बात का मोदी जी का जुमला है, आते हैं और फेंक कर चले जाते हैं। मोदी जी ये नहीं देखते कि इसकी बात क्या हुआ। मोदी जी सिर्फ अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं। कौन से दोस्त बेटा? अंबानी, अडानी। इसके अलावा उनके मित्र कौन है? परम मित्र तो उनके अडानी है, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ फ्लाइट में बैठते हैं, बातचीत करते हैं वो। इसके अलावा उन्हें देश का किसी का एक जनता मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके खाते में 15 लाख आए होंगे और जिनको 2 करोड़ रोजगार मिले होंगे। बच्चे सच सच बताना, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी प्रॉपर्टी डीलर हैं। कांग्रेस के नेता नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है मेरे पिताजी कांग्रेस से। क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कांग्रेस से? जी बिल्कुल नहीं है, कोई नाता नहीं है। राजनीति से दूर है हम लोग, सिर्फ हम लोग हैं। राजनीति से दूर हैं लेकिन बातें एकदम शुद्ध राजनीतिक हैं, समझदारी एकदम शुद्ध राजनीतिक है। ये बच्चे जो हैं ये एक गुल्लक टीम करके YouTube पे है बेटा आपका? जी जी। गुल्लक टीम करके एक YouTube पर ये ब्लॉगर कहिए या जो भी कहिए, ये बच्चे चलाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये बच्चे इस तस्वीरों में मैं दिखाऊं आपको, ये बच्चे राहुल गांधी से मिल चुके हैं, ये देखिए। और इनका है जो गुल्लक टीम करके है, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटा पैकेट है, धमाका बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इनका कार्ड भी रख लिया है। मैं दूसरे बच्चे से मिलाता हूँ। आप भी साथ में हैं? जी साथ में। आप भी मध्य प्रदेश से हैं? जी मध्य प्रदेश। आप भी भाजपा से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल। आप भी कांग्रेस आने से खुश हैं? भाजपा से नफरत नहीं करते, हमें भाजपा की विचारधाराओं से नफरत है। अच्छा, भाजपा की विचारधारा से नफरत है? जी। कौन सी विचारधारा भाजपा की है जिससे आपको नफरत है? जी बहुत सी विचारधारा है, वो आपस में लड़वाते हैं। किसको लड़वाते हैं? जैसे एग्जाम्पल लेके आप हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू हैं। हिंदू हैं। आपको क्यों लगता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं? उन्होंने तो खुद ही कहा था कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करने लगूंगा उस दिन मैं इस समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। उनने बोला तो बहुत था, उनने 2 करोड़ रोजगार का बोला था, 15 लाख हर खाते में बोला था, हुआ क्या? तो आप नरेंद्र मोदी जी से इसलिए नाराज हैं को हिंदू मुसलमान करते हैं, नौकरी नहीं दिए, इसलिए नाराज हैं? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो वो नौकरी देंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि पहली नौकरी पक्की है। पहली नौकरी पक्की है जी। लगता है आपको भी? जी बिल्कुल लगता है। ठीक है, आप बच्चे मुझे ये बताओ,
मोदी जी से इतना नाराज क्यों? मोदी जी तो कई बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, मोदी जी के कई लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिले, कई यूट्यूबर्स के साथ मिले, आप क्यों नाराज हो? मैं मोदी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज होने का कारण ये कि मोदी जी मिलते हैं सिर्फ गिने चुने लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कर कर एक एक व्यक्ति बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोगों से मिले, जमीन से जुड़े लोगों से मिले, किसानों से मिले, वो बेरोजगार से मिले, सबसे हाथ मिलाया। मोदी जी हाथ मिलाते आपने तस्वीरें नहीं दिखी होगी, मेरे फोन में मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको, इतनी दूर से हाथ मिला। जब बच्चे हाथ मिलाने के लिए करते तो मोदी जी ऐसे ऐसे करते हैं, मोदी जी आपने देखा नहीं होगा। और राहुल गांधी जी को एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे हाथ गंदे, तो राहुल गांधी जी ने हाथ भी मिलाया और गले भी लगाया। तो क्या हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें गले लगाए? क्या देश के बच्चे ये नहीं चाहते उनसे? मोदी जी की विचारधाराएं गलत है। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम गलत नहीं बोलेंगे उनके बारे में, लेकिन हाँ उनकी विचारधाराएं बहुत गलत हैं। विचारधाराएं जी बिल्कुल बहुत गलत है। मुझे एक बात बताओ, 10 सालों से वो प्रधानमंत्री रहे, जाहिर सी बात है कि लोगों ने पसंद किया होगा, इस बार भी वोट आया है, तो आपको लगता है कि कौन सी ऐसी बातें रहीं जिसकी वजह से इस बार उनका मत प्रतिशत गिरा और सीटें कमाई? कुछ लगता है आपको कुछ ऐसा? जी बिल्कुल लगता है। सबसे स्टार्टिंग में जब आए थे तो लोगों को लगा था कि नया व्यक्ति आया है, इतने सारे जुमले, अब उन्हें नहीं पता कि जुमले हैं ये, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो लोगों ने दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम का टर्म तो कोरोना में निकल गया था, थोड़ा कोरोना वगैरह था, तो इस बार लोगों को हकीकत ही ये पता चला कि जो इन्होंने इमेज बना रखी थी राहुल जी की पप्पू करके, इन लोगों को पता चला है कि वो जननायक है, वो हर एक व्यक्ति से मिलता है, उसकी क्या इमेज है, इन लोगों को ये नहीं पता है। इन लोगों को लगता था पहले कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब उन्होंने पूरी मेहनत की, जब वो डाउन टू अर्थ आए, तब लोगों को पता चला और लोगों ने उनको उनका अमेठी का गेस्ट हाउस देख के आए। हम उनका अमेठी का गेस्ट हाउस देख के आए, हमारे फोन में वीडियो है, हम आपको बताएंगे, आप देखेंगे बोलेंगे इससे तो अच्छे बीजेपी के विधायक रहते होंगे। उनका जो अमेठी का गेस्ट हाउस है वहाँ पर, जहाँ पर वो रहते थे पहले, उनका गेस्ट हाउस आप देखेंगे तो बोलेंगे यार बीजेपी के नेता इससे अच्छे रहते हो। उनका मतलब छोटा सा रूम, छोटे से इधर लिविंग एरिया और छोटे से डाइनिंग टेबल, और 70 साल हमारी सरकार थी, आप देख सकते हो हमने कार्यालय बनाया। अभी मोदी जी सिर्फ 10 साल आए हमें, आपने उनका कार्यालय देखा है? उनसे मतलब प्रधानमंत्री हर जिले में कार्यालय, और इतने बड़े बड़े कार्यालय आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ तो घोटाला कर करके उन्होंने बना ही लिया है, अब फिर वापस बनाने लग गए। उनको डर है कि सत्ता इस बार चली जाएगी, इसके लिए वो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, जो जो हाथ लगता है वो फटाफट करें ताकि सत्ता चली जाए तो भी थोड़े साल तक बच के रहे। और मैं समझता हूँ जो मोदी जी 1 लाख वोट से जीते हैं, 1.5 लाख से जीते हैं, वो कोई प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा मार्जिन नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री की इमेज के लिए कुछ अच्छा मार्जिन नहीं है। आप भी समझते होंगे कि प्रधानमंत्री कम से कम 10-15 लाख वोट से जीतना चाहिए, मतलब एक तरफा पूरा इलेक्शन होना चाहिए। बट समझ सकते हैं हमारा कैंडिडेट ने कितने अच्छी तरीके से मोदी जी को टक्कर दी है, मोदी जी जीत के भी हार गए हमारे कैंडिडेट के सामने, मतलब प्रधानमंत्री होके भी 1 लाख वोट से जीत पाए मोदी जी ने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जी बेटा, मोदी जी की बहुत शर्म की बात है कि वो 1 लाख वोटों से जीते। अच्छा आप लोग क्या करते हो, आप अपने काम के बारे में बताओ। हम लोग अभी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग डोर टू डोर जाके जितना हमसे हो रहा है लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया, कांग्रेस 70 सालों में क्या किया। आती बीजेपी जुमले फेंक कर चले जाती है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी आए, जिनसे हमने मीटिंग करने का सोचा था कि हम हमारे एनवायरनमेंट को लेकर मीटिंग करें उनसे, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो देश की मतलब पर्यावरण को लेकर बातचीत करें, प्रदेश की समस्या के लिए बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मतलब उनके पास इतना समय है कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उनने यूपी में चुनाव प्रचार किया, यादव करके उनको यूपी में चुनाव प्रचार करवाया, क्या हुआ, वहीं से सुपड़ा साफ हो गया ना। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि भाजपा ने ये काम किया, कांग्रेस ने ये काम किया 70 सालों में, आपने कहा, आप मोटा मोटी मुझे बता सकते हो कि कांग्रेस के क्या काम है? जी मैं बता सकता हूँ। जी कांग्रेस ने स्कूल बनाए, उनमें पढ़ते हैं ये अंधभक्त, उनने कॉलेज बनाए, वहीं से अंधभक्त पास आउट हुए, कांग्रेस के बनाए अस्पताल में वहीं से इलाज करते हैं, और फिर भी सेटल होने के बाद कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है। बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं। यशराज परमार। आप देख रहे थे मेरे साथ, ये बच्चे हैं और बच्चे मध्य प्रदेश से आए हैं, और जब ये सरकार का तख्ता पलट हुआ, जब ये सरकार जब एग्जिट पोल में जो आ रही थी उसके विपरीत जब परिणाम आए, तो ये बच्चे वहाँ से चलकर दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में आए हैं, और मैं दफ्तर में मौजूद था, बातचीत की तो मुझे समझ में आ रहा था, या समझने की कोशिश की कि इतने छोटे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी छोटे बच्चे कैसे इतने जागरूक हैं देश की सुरक्षा को लेकर, देश के सुविधाओं को लेकर, देश में हुए काम को लेकर, कांग्रेस के द्वारा किए गए काम को लेकर के।
आपने भी सुना, आप इनके चैनल पे भी जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।